मतलब कि व्लॉग्स। दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूं मैं फ्लिपकार्ट से एक मैंने फ़ोन ऑर्डर किया था ऑनर 9N, जो कि मैं आज आपको दिखाऊंगा। इसको हम करेंगे अनबॉक्स। तो ये दोस्तों ये फ़ोन है, चलिए इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं इस फ़ोन का जो कंटेंट में क्या मिल रहा है इस बॉक्स में, क्या ये फ़ोन है। दोस्तों ये वैसे ये फ़ोन जो है ये मिड रेंज में आता है, ताकि आप एक ईजिली बाय कर पाएंगे। इस फ़ोन की जो क्वालिटी है, जो स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी है, बहुत सुना इसके बारे में, जो कि बहुत पहले ही ये एक्चुअली ये जो फ़ोन जो है ये लॉन्च हो गया था, तो उसको मैंने बाय किया है ओनर 9 को। 9N का जो नाम है, ओनर 9 है ये देख पा रहे हैं आप, तो ये वो ओनर 9N है जो मैंने बाय किया है फ्लिपकार्ट से। इसका लिंक ड्रॉप करता हूँ जहाँ से आप इसके बारे में पढ़ पाएंगे, इसके बारे में जो भी आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन आपको इजीली मिल पाएगी, और आपको बाय करना तो वहाँ से बाय कर पाएंगे, इसके आपको वहाँ पे ऑफर मिल जाएंगे अच्छे। तो दोस्तों ये फ़ोन है ओनर 9N, इसका जो ग्राफिक्स जो देख पा रहे आप एक ब्लू कलर में आता है। तो दोस्तों इसके पीछे देख पा रहे आप, इस पर लिखा है ओनर 9N, और इसका मैं आपको दिखाऊंगा पास से जो इस पर लिखा हुआ है, जो फर्स्ट आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ जो ये लिखा हुआ है ओनर, जो ये नॉच स्क्रीन में आता है पहली बात तो, जिसका जो स्क्रीन है वो नॉच में आता है। सेकंड चीज़ जो इसमें है दी गई है, ये 16MP फ्रंट कैमरा आपको मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा कैमरा है इस फ़ोन में, क्योंकि ये मेन जो फ़ोन है इसका मेन जो फोकस कैमरे पे है, जो कैमरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो कि मैंने पढ़ा उसके बारे में, जिसकी जो जो कर्व ग्लास है वो 2.5D लिखा हुआ है, जिसके ग्लास काफ़ी कर्व में है। जो नंबर 4 जिसका है फेस अनलॉक है, जो कि फास्ट एक फेस अनलॉक है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका जो फेस अनलॉक होगा काफ़ी फास्ट होगा एज अगर आप दूसरे से कंपेयर करते हैं जितने दूसरे फ़ोन हैं। बाकी इसमें जो लिखे हैं स्पेसिफिकेशंस ओनर 9 के, तो ऑक्टा कोर इस पर लिखा हुआ है, ऑक्टा कोर CPU, और सेकंड है 4GB रैम है, 64GB की जिसकी स्टोरेज है, एंड यू कैन एक्सपेंड द स्टोरेज लाइक 256GB तक आप इसको एक्सपेंड कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा इसमें दिया गया एक फंक्शन, तो ये इसमें ये एक एंड्रॉयड OS 8.0 जो कि लेटेस्ट है, एंड इसका जो कैमरा है जो रियर कैमरा है वो 13MP प्लस 2MP कैमरा है, लेकिन जो फ्रंट कैमरा वो 16MP का कैमरा है। तो आप देख पाएंगे कि कितना अच्छा कैमरा इसका कैमरा होगा फ्रंट का सेल्फी कैमरे के लिए, जिसका जो सपोर्ट करता है वो वोल्टेज सपोर्ट करता है, तो काफ़ी अच्छा है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, आप इजीली फिंगरप्रिंट यूज़ कर पाएंगे। जो इसकी बैटरी है वो 3000mAh की बैटरी है। तो ये इसकी जो फंक्शंस लिखे हैं, और ये बॉक्स है पीछे देखने में, साइड में इसमें ओनर 9N लिखा हुआ है, और यहाँ पे इस लिखा होगा इसके बारे में कि जो फ़ोन है इसमें क्या कंटेंट, इसमें क्या आपको मिल रहा है इस फ़ोन में। तो इसमें लिखा हुआ है फ़ोन दिया गया है, बैटरी है, कवर दिया गया है, चार्जर दिया गया है, तो सब इसमें लिखा हुआ है क्या क्या है और ये सब है, और देखते हैं साइड में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो फ़ोन का जो कलर है वो कौन सा है, इसमें लिखा हुआ है कलर जो है वो मिडनाइट ब्लैक है, आपको मैं दिखाऊँ थोड़ा पास से, तो ये इसमें लिखा हुआ है, और कितना इसका स्पेस लिखा हुआ है, क्या इसमें लिखा हुआ है 64GB का जो इसमें स्पेस दिया गया है, और 4GB रैम है, तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। इसको जब ऑन करते हैं देखते हैं हमारा ये फ़ोन देखने में कैसा है, क्या क्या इसमें मिल रहा है। तो ये बॉक्स को हमने कर दिया अनबॉक्स, इसको मैंने पहले भी ओपन किया था क्योंकि जब ये फ़ोन डिलीवर्ड हुआ था तो एक बार चेक करना पड़ता है कि फ़ोन है या नहीं है, कुछ और इश्यू तो नहीं है। तो ये वो फ़ोन है, ये आपका बिल है, तो इसका जो बिल है जिसका जो प्राइस है वो है इसका अराउंड 15,000 रुपये। आपको ऑफर मिल जाएगा, मेरे लिंक ड्रॉप कर दीजिए जहाँ पे आप इजीली बाय कर पाएंगे। तो इसका जो प्राइस है वो है 15,000 रुपये। इसको सेट रखते हैं, अपने फ़ोन पे आते हैं, तो ये दोस्तों फ़ोन है, इसको हम सेट रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो देखते हैं हमें क्या मिल रहा है इस बॉक्स में, तो ये कुछ पेपर वर्क है जिसमें इसका वारंटी कार्ड लिखा होगा और EMI नंबर है, और नेक्स्ट पार्ट भी जो है इसके यूज़र गाइड है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, इसमें मिल रहा है हमें सिम इंजेक्टिंग कनेक्टर टूल, जो कि आप अपना इजीली आप एक सिम इंजेक्ट कर पाएंगे अपने फ़ोन का, जो आपको करना पड़ेगा। तो और नेक्स्ट जो मिल रहा है ये है एक केस कवर, जो कि काफ़ी अच्छा केस कवर है, अगर आप बाय करते हैं बाहर से तो उससे काफ़ी अच्छा आपको मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इस प्लास्टिक की जो कंपनी दे रही है आपको, उसको यूज़ करेंगे बाद में। तो ये वो केस कवर है इसमें, और इसमें आपको मिलता है चार्जर केबल मिलती है, और आपको मिलता है चार्जर अडैप्टर मिलता है, इसको यूज़ कर पाएंगे अपना चार्जिंग करने के लिए। तो ये इसमें मिल रहा है कंटेंट, तो और तो कुछ नहीं है इसमें, और आपको मिलता है ये सिम इजेक्ट करने का टूल, इसको हम बाहर निकालते हैं, इसको यूज़ करेंगे। आपको दिखाऊंगा कि इसमें जो सिम स्लॉट है वो कैसे दिया गया है, तो इसको हम निकालते हैं बाहर, ये वो सिम इजेक्टिंग का टूल है, बाकी हम सेट रखते हैं अपना। दोस्तों हम आते हैं, फोकस करते हैं अपने फ़ोन पे। तो दोस्तों ये वो फ़ोन है, तो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ पास से। तो गाइस ये वो फ़ोन है जो कि दिख पा रहे हैं आप, नॉच स्क्रीन में आता है ये, एक सेकेंड। तो ये वो फ़ोन है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन देखने में है, जिस पर लिखा हुआ है ओनर जो नीचे मिल रहा है आपको। इसकी जो डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है, और इसकी जो पीछे देख पा रहे हैं आप, जो कि
एक मिरर स्क्रीन में आती है जो कि ब्लैक मिड नाइट ब्लैक में आता है, जिसपे दो फोक इसमें दो कैमरे लगे हुए हैं जो कि 13 MP + 2 MP कैमरा है, और इस पर फ्लैश लगा है, और इस पर फिंगर सेंसर आपको मिल रहा है यहाँ पे साइड में, जो देख पा रहे हैं आप। तो इसको हम ऑन करते हैं, यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे, यहाँ पे बटन दिया हुआ है, और जिसका सिम जेटिंग का टूल है इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि सिम जो है वो कैसा है। सो गाइस मैंने ये तो दोस्तों ये इसका जो सिम है ये एक हाइब्रिड में आता है, तो यहाँ पे आप दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे, इसलिए आप एक सिम या एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे इसलिए। तो यहाँ से ये इसका जो हाइब्रिड का आपको मिलता है, जो कि आपके लिए एक नैनो सिम, इसमें एक नैनो सिम ही आएगा आपका, तो नैनो सिम ही आप इसमें यूज़ करेंगे। तो इसको हम करते हैं बंद और अपने इस फ़ोन को करते हैं ऑन। तो यहाँ से मैंने बटन दबाया और ये हो गया ऑन। दोस्तों ये फ़ोन देख पा रहे हैं आप ऑनर कंपनी का, जो कि इसका जो ग्राफिक जिन्होंने कलर यूज़ किया गया सेम कलर यूज़ किया गया, एक लाइट ब्लू में स्काई ब्लू यूज़ किया गया है, जो कि इसके बॉक्स का भी सेम कलर है और जो सेम है बैकग्राउंड का भी सेम कलर है। तो ये इसका लोगो है देख पा रहे हैं। तो जो इसकी नॉच स्क्रीन है काफ़ी अच्छी है, जो कि नॉच के बीच में आपको मिल रहा है कैमरा, यह देख पा रहे हैं जहाँ पे ये होगी 16 MP का जो कैमरा है, जो कि काफ़ी अच्छा है आपको मिल रहा है। इसका जो पिक्सलेट PPI है वो 432 है, जो कि काफ़ी अच्छी आपको मिल रही है, जिसकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन होगी जो कि पिक्सलेट जो होगी बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी में आपको मिलेगी। अगर आपको जूम करेंगे इस फोटो को तो काफ़ी अच्छा होगा कि इमेज जो है वो फटेगी नहीं, इसकी पिक्सलेट काफ़ी अच्छी होगी। तो दोस्तों ये फ़ोन है देख पा रहे हैं आप, इसको हमने ऑन कर दिया, और इसका हम सेटिंग में जाते हैं और देखते हैं इसका अबाउट क्या हमें मिल रहा है इस फ़ोन में। तो ये वो तो ये दोस्तों देख पा रहे हैं आप इसका अबाउट, तो डिस्प्ले नेम मॉडल नंबर जिसका लिखा हुआ है, जिसका बिल्ड नंबर वो 8.0 है, और EMI वर्जन 8.0 है, एंड्रॉइड वर्जन 8.0 जो लेटेस्ट में आता है। रैम इसकी 4GB है, और उसका जो फोन स्टोरेज है वो 64GB का मिलता है आपको, तो आप इसको एक्सपेंड कर पाएंगे 256GB तक ईजिली। और इसका स्क्रीन का रेजोल्यूशन है वो 2280x1080 का है, और काफ़ी अच्छा ये जो फ़ोन है, जो कि ये 1 जून को ही हो गया था जो ये फ़ोन लॉन्च होता है, 1 जून को ही हुआ था ये देख पा रहे हैं आप। तो ये वो फ़ोन है, इसको हम करते हैं पैक, और इसमें आपको मिलता है इसका जो जो कंपनी बताती है जो इसका जो फेस अनलॉक है वो काफ़ी फास्ट है। इसको हम अभी आने टाइम में 1 हफ्ते बाद मैं इसको बताऊँगा आपका, आपको मैं इसका रिव्यू दूंगा कि क्या मुझे दिक्कत है ये या क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो अभी ये फ़ोन को मैंने अनबॉक्स किया है और देख रहे हैं फ़ोन देखने में कैसा है, काफ़ी अच्छा इसका लुक है, काफ़ी वेट का लाइट है, इसका जो वेट है वो 150 ग्राम तक है, एंड इसका जो कैमरा देख पा रहे हैं आप, तो ये कैमरा है जो आपको जो काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा इसमें, जो फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा वो 16 MP का कैमरा है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके जो इसके मोड्स हैं कैमरे के, तो अलग अलग आपको मिलते हैं मोड्स जो कि काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं आपको, जो कि पैनोरामा, नाइट शॉट, एयरलाइंस, तो काफ़ी अलग अलग आपको मिल रहे हैं जो कि आपको यूज़ करने में अच्छा लगेगा। सो दोस्तों ये फ़ोन है, इसका जो प्राइस है वो 15,000 रुपये है। तो जो ये फ़ोन है ये 4GB और 64GB का जो स्टोरेज है, इसका प्राइस 15,000 रुपये है, जो इससे कम GB में मिल रहा आपको, 3GB का मिल रहा है, 32GB का मिल रहा है, उसका जो प्राइस है वो 11,000 रुपये है। तो अलग अलग प्राइस है अलग अलग स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, तो आपकी मर्जी आप कोई भी ले सकते हैं, मैं इसका लिंक ड्रॉप कर दूंगा जहाँ से आप इजीली बाय कर पाएंगे। तो दोस्तों ये फ़ोन है देख पा रहे हैं आप, काफ़ी अच्छा ये फंक्शन आपको देखने को मिल रहा है, और ये इसके फंक्शन है, वाईफाई लगा हुआ है, और जो सारे फंक्शन उसका जो जो कलर जो आप देख पा रहे हैं काफ़ी ब्राइट कलर है, आप जाते हैं धूप में या कहीं जहाँ पे आपको धूप में जाते हैं आपको दिक्कत नहीं होगी कुछ चेक करने में, जिसकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, काफ़ी आपको मैं दिखाऊँ तो कितना काफ़ी शार्प है आपको। तो दोस्तों ये था इसके बारे आज की वीडियो में, तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, आपको कोई इश्यूज़ हैं फोन से रिलेटेड आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। एंड गाइस प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लव के ब्लॉग्स को, एंड थम्स अप फॉर दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।